अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने अंकिता हत्याकांड केस पर डीएम पौड़ी के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से अंकिता भंडारी के पिता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि वे अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों की तरफ से पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के खिलाफ कोर्ट में पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अमित सजवान पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाएं। वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि शासकीय अधिवक्ता की जरूरत उन्हें थी, लेकिन इस केस में आरोपियों की पैरवी शासकीय अधिवक्ता द्वारा की जा रही है। पौड़ी से भगवान सह की रिपोर्ट। मुझे पता चला कि जो पुलकित आर्य के जो हियरिंग जो वकील साहब कर रहे हैं वो एक सरकारी वकील हैं, जबकि न्याय स्तर पे एक सरकारी वकील मुझे मिलना चाहिए था, न कि उनको मिलना चाहिए था। और वो उनकी हियरिंग कर रहा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। और जो अंकिता भंडारी का दोस्त पुष्पदीप था, उनको ये फंसा चक्कर में इनके बयानबाजी कर रहे हैं। और हम हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट से डायरेक्शन हो रखे हैं कि एक क्रिमिनल साइड का एक बढ़िया लॉयर मिलेगा हमें, जो कि अंकिता की पैरवी करेगा। तो इस ऑर्डर को हुए करीब एक महीना होने वाला है और अभी तक वो लॉयर हमें नहीं मिला है। ना हमसे किसी ने बात की है सरकार की तरफ से, ना अंकिता के फादर से बात की है, किसी से कोई बात नहीं है कि कौन सा वो वकील है जो हमें मिलेगा। एक तो ये परेशानी है सबसे बड़ी। दूसरा ये है कि सरकार ने भी कहा है और हाईकोर्ट ने भी कहा है कि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाएंगे आरोपियों के।